मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने घरों में ही रह रहे होंगे। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का चुनाव कैसे होता है, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं और उनके पास क्या क्या काम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के आर्टिकल 75 में ये लिखा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो क्या राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। असल में हमें एक प्रोसीजर से फॉलो करना पड़ता है जिसको हम इलेक्शन प्रोसेस कहते हैं, यानी कि देश में चुनाव होगा और चुनाव के बाद पार्टीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, एक मैजिकल नंबर होता है 273, यानी कि पार्टीज़ बहुमत के द्वारा 273 सीट्स लेने की कोशिश करेंगी। अगर जो भी पार्टी 273 सीट्स ले लेती हैं, वही क्या करती हैं, वही उनमें से एक व्यक्ति को चुनती हैं प्रधानमंत्री के लिए, और वो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाती हैं, और फिर इसी तरीके से प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगर कोई भी पार्टी बहुमत के द्वारा 273 सीट नहीं ले पाती हैं तो क्या भारत का प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि सारी पावर्स किसके पास चली जाएंगी फिर? ऐसे में सारी पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं, और उनको ये हक होता है कि वो कौन सी पार्टी को चुनते हैं और उस पार्टी में किस व्यक्ति को वो एज ए प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। बट उसके लिए भी उनको कुछ समय दिया जाता है, उस प्राइम मिनिस्टर को ये साबित करना होता है, बहुमत हासिल करना होता है और साबित करना होता है कि वो उसके लिए सक्षम है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, उनके पास मिलिट्री पावर्स भी होती हैं, अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं उनके पास, और उनके पास पॉलिसीज़ भी होती हैं, बहुत सारी फॉरेन पॉलिसीज़। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होता है कि वो एक मंत्रालय बनाते हैं जिसमें मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, वो काम करते हैं, है ना। और वैसे ही जो है मिलिट्री के, वो क्या होते हैं, पॉलिटिकल हेड होते हैं। और अपॉइंटमेंट्स में वो जितने भी हाई अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स के लिए प्रधानमंत्री को सजेस्ट भी करते हैं, और अगर कोई ऐसा लीडर होता है या कोई ऐसा मिनिस्टर होता है जो सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके रिमूवल के लिए भी वो प्रधानमंत्री जी को सजेस्ट करते हैं। तो चलिए आगे हम जान लेते हैं कि वो क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी देश में कोई इमरजेंसी होती है या कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कब कौन प्रधानमंत्री जी देश के लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आप डिमोनेटाइजेशन के समय में प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने देश को बताया, और वैसे ही जैसे आजकल पेंडेमिक डिसीज कोविड-19 फैला हुआ है तो प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने देश को इस बारे में संबोधित किया, और उन्होंने हमें क्वारंटाइन होने और लॉकडाउन में रहने की सलाह दी।